दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि हमारे देश भारत की जनसंख्या आज लगभग 145 करोड़ पार कर चुकी है और इस देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं और ये देश पूरी दुनिया में अपने अलग रीति रिवाज और परंपराओं के लिए फेमस है। और इस देश में अलग अलग धर्म होने के कारण मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जैसी चीजें मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि यहां के 79.8% लोग हिंदू हैं। और आज हम भारत में मौजूद इन्हीं हिंदू मंदिरों के बारे में जानेंगे और इसके लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। वैसे नंबर वन पर आता है मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जो 170 फीट लंबा है और इसमें 14 गोपुरम है। और इस भव्य मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो 25,000 साल पहले बनाया गया था। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इस मंदिर में 30,000 भगवान की मूर्तियां मौजूद है और ये तमिलनाडु में मौजूद है। फिर नंबर टू पर आता है श्री रंगमनाथ स्वामी मंदिर, जो मंदिर श्री रंगम में मौजूद है, जो भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जिस मंदिर के बीच 40 मंदिर बने हुए हैं और ये सभी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और फिर नंबर तीन पर आता है तंजावुर वृद्धेश्वर मंदिर, जो भारत के सबसे बड़े शिव मंदिर में से एक है और इस मंदिर में वृद्धेश्वर महादेव के साथ सभी देवताओं की मूर्ति मौजूद है, जिस मंदिर में जाने के बाद आप सभी भगवान की पूजा एक ही जगह पर कर सकोगे। और फिर नंबर चार पर आता है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो उड़ीसा में मौजूद है और यह मंदिर भगवान विष्णु रूप बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है। जिस मंदिर की खास बात यह है कि इसके शीर्ष पर लगा चक्र हर तरफ से आपको सीधा दिखाई देगा, जो अपने आप में एक हैरानी वाली बात है। और लास्ट नंबर फाइव पर आता है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो दिल्ली में मौजूद है, जिस मंदिर में बेहद ही उत्कृष्ट वास्तुकला की गई है और ये मंदिर 43 मीटर ऊंचा है और 316 फीट चौड़ा है, जहां पर सालाना करोड़ों लोग घूमने आते हैं। वैसे आपको कौन सा मंदिर अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर दें।